नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द जियोपॉलिटिक्स यूपीएससी। रिसेंटली जापान ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उसके पड़ोसी देशों के साथ उसके रिलेशंस खराब हो रहे हैं। उसके पड़ोसी देश उसके ऊपर हमलावर हैं और जापान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं। और चाइना ने तो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाना शुरू भी कर दिया है। चाइना ने जापान से आने वाले सी फूड्स को बैन कर दिया है। तो ये पूरा इशू क्या है, जापान ने ऐसा क्या किया है, तो हम समझते हैं इस वीडियो में डिटेल से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ऑलराइट, तो आप सबने फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में सुना होगा। यह घटना घटी थी जापान में साल 2011 में और यही वो कारण है जिसकी वजह से जापान के पड़ोसी देश साउथ कोरिया और चीन दोनों जापान के ऊपर हमलावर हैं, दोनों जापान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उसके ऊपर इकोनॉमिक सेंसस लगाने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि ये पूरा इशू है क्या। आप सबको पता है कि जापान एक आर्किपेलगो है, यानी यह एक द्वीपों का समूह है और यह पैसिफिक ओशियन में स्थित है। और पैसिफिक ओशियन को आप सभी जानते हैं कि इसमें से रिंग ऑफ फायर होकर गुजरता है, तो यहाँ पे भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं और खास करके जापान को तो भूकंपों का ही देश कहा जाता है, यानी यहाँ पे भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं। और आप यहाँ पे मैप में देखिए, ये जो पूरा मैप है, जापान पूरे चार मेन आइलैंड्स में डिवाइड है और ये जो आप जापान का होंसू आइलैंड देख रहे हैं, इसी पे यहाँ पर फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट 1971 से 1979 के बीच जापान के द्वारा बनाया गया था। अब आप इस मैप में और अच्छे से देख सकते हैं, तो यहाँ पर है फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट। और होता क्या है यहाँ पे कि 11 मार्च साल 2011 में इस पैसिफिक ओशियन में जापान के पास समुद्र में एक बहुत बड़ा भूकंप आता है और जिसका मैग्नीट्यूड होता है रिएक्टर स्केल पे 9.1। अब आप सोच के देखिए, इतने बड़े स्केल का भूकंप जब समुद्र में आएगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है सुनामी आएगी। तो यही हुआ इस पैसिफिक ओशियन देश के साथ। जैसे ही पैसिफिक ओशियन में इस जापान के पास भूकंप आता है तो यहाँ पे सुनामी आ जाती है और 40-40 फुट तक लहरें उठने लगती हैं। और सुनामी इतनी तेज होती है कि जापान का जो पूरा कोस्टल एरिया है उसके अंदर पानी घुसने लगता है। और जो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट था वह जापान के कोस्टल एरिया में भी स्थित था। और जैसे ही जापान की अथॉरिटीज को यह पता चल जाता है कि जापान के नजदीक पैसिफिक ओशियन में 9.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया हुआ है, तैसे ही इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली के उत्पादन को बंद करवा दिया जाता है। तो बिजली का उत्पादन तो बंद हो जाता है, लेकिन जो ये पावर प्लांट होते हैं, चूंकि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट थे तो इनको ठंडा करने की आवश्यकता थी, तो जल्दी जल्दी में इन पावर प्लांट्स को ठंडा करने के लिए जो जनरेटर थे जो पानी इसमें ले जाते थे उनको चालू कर दिया जाता है। लेकिन सुनामी की रफ्तार इतनी तेज होती है कि वो तुरंत ही जापान के कोस्टल एरिया तक पहुंच जाता है और इस फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट तक भी सुनामी पहुंच जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो जनरेटर इस न्यूक्लियर रिएक्टर में पानी सप्लाई कर रहा था, सुनामी उसको अपने चपेट में ले लेती है और वो काम करना बंद कर देता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि इस पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट में पानी की सप्लाई बंद हो जाती है और ये पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट धीरे धीरे गर्म होने लगता है और इस पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट में रेडिएशन इतना ज्यादा हो जाता है कि ये ब्लास्ट कर जाता है। और आप यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं इस फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट की, जब इसमें ब्लास्ट हुआ था तो इस तरीके का कुछ नजारा हो गया था। और जैसे ही ब्लास्ट हुआ इस पूरे इलाके में रेडिएशन फैलना शुरू हो गया और यहाँ पर जापान के ऊपर दोहरा खतरा मंडराने लगा, क्योंकि इससे पहले समुद्र में अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से सुनामी आई और जापान के कई शहरों में समुद्र का पानी घुसने लगा। और इसके ऊपर से ये न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से उस पूरे एरिया में रेडिएशन फैलने लगा। लेकिन जापान की सरकार ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए वहां से लोगों को इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया, वहां से लोगों को विस्थापित करना शुरू कर दिया। और बताया जाता है कि जापान उस पूरे एरिया से लगभग 50,000 लोगों को विस्थापित करता है और इस डिजास्टर में बहुत जान माल की भी हानि होती है। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक लगभग 2000 लोगों की मृत्यु बताई जाती है कि इस डिजास्टर में हुआ था। और चूंकि समुद्र में सुनामी आया थी जिसकी वजह से जापान के कोस्टल एरिया में समुद्र के पानी आ रहे थे, तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था वहां पर भी समुद्र का पानी आ गया और वो जो पूरा पानी था वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में चला गया। चूंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में ब्लास्ट हो गया था और उसकी वजह से ये पूरा पानी रेडियो एक्टिव हो जाता है, इस पूरे पानी में रेडिएशन फैल जाता है। तो अब जापान के सामने ये समस्या आ गई थी कि इस पानी को किसी भी तरीके से समुद्र में वापस जाने से रोका जाए, नहीं तो ये जो पूरा रेडिएशन है वो समुद्र में सीधे जाएगा और बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता था और इसके अलावा पूरे उस पैसिफिक ओशियन एरिया में बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंच सकता था। इसका असर मरीन इकोसिस्टम पे तो होता ही या कई देशों के लिए खतरा भी बन सकता था। तो तुरंत ही जापान ने एक्शन लेते हुए इस पूरे पानी को जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में आ गए थे
उनको किसी तरीके से रोक लेता है समुद्र में जाने से, और इसके लिए वहां पे बाढ़ वगैरह लगाए जाते हैं ताकि ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट का पानी समुद्र में वापस न जाने पाए। और यह जो जापान में फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट का डिजास्टर था, वह अब तक का दूसरा सबसे बड़ा सिविल न्यूक्लियर डिजास्टर था, क्योंकि आप सबको पता होगा कि 1986 में सोवियत यूनियन जो अब के रसिया में चेर्नोबिल में न्यूक्लियर पावर प्लांट में ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रेडिएशन सभी जगह फैल गए थे, वो पूरा इलाका ही खारी करवा दिया गया था, और वहां आज तक रेडिएशन पाया जाता है, उस पूरे इलाके में कोई रहता नहीं है। और यह जो चेर्नोबिल इलाका है वह फिलहाल के समय में यूक्रेन के अंडर में आता है। तो ठीक इसी तरीके का डिजास्टर, इसी तरीके का भयावह स्थिति जापान में क्रिएट हो गई थी, जहां पे फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास के पूरे एरिया में रेडिएशन फैल चुका था, और वहां से लोगों को जापान ने लगभग 20 किलोमीटर के पूरे रेडियस में सभी लोगों को निकाल दिया था। और आज तक ये पूरा इलाका खाली है, यहाँ पे कोई नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे रेडिएशन की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो ये था पूरा फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट का डिजास्टर। और अब जापान कर क्या रहा है कि ये जो पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो कि फिलहाल बंद है, उसमें जो वेस्ट वाटर है जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल मिल चुके हैं, उसको जापान समुद्र में छोड़ना चाहता है, और इसी बात को लेकर के ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। जापान के पड़ोसी देश उसके ऊपर हमलावर हैं, और उनका कहना है कि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल से युक्त पानी जापान समुद्र में न छोड़े, ऐसा होगा तो इस पूरे एरिया में समुद्र में रेडिएशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इन देशों को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, इन देशों की फिशिंग इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, सी फूड इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। इसके अलावा यह जो रेडिएशन समुद्र में पूरी तरीके से फैलेगा तो ये पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद कर देगा। तो इसको लेकर के जापान के पड़ोसी देश साउथ कोरिया और चीन पूरी तरीके से जापान पे हमलावर हैं। लेकिन जापान का कहना यह है कि जापान ने इस पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट के पानी को हाई सिक्योरिटी कंटेनर्स में स्टोर करके रखा हुआ था, और उसको साल दर साल प्रोसेस कर रहा था ताकि इसमें से रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को बहुत ज्यादा कम किया जा सके। ये जो पानी है इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव नहीं है, अब उसमें इतना ज्यादा रेडिएशन नहीं है, क्योंकि जापान ने साल दर साल इस पे बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए हैं, केवल इसलिए कि इस वेस्ट वाटर में से रेडिएशन को बहुत ज्यादा कम किया जा सके। और अब जो ये रेडिएशन है वो बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, तो इसलिए जापान इस पूरे पानी को, इस पूरे वेस्ट वाटर को समुद्र में छोड़ना चाहता है। और जापान ने इसके जवाब में ये कहा है कि हमने पूरी तरीके से इसमें से जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल थे उसको निकाल दिया है, पूरी तरीके से रेडिएशन को निकाल दिया है, लेकिन केवल बस एक रेडियो एक्टिव मटेरियल इसमें है, वो है हाइड्रोजन आइसोटोप, जिसको ट्राइटियम भी कहते हैं। तो केवल यही एक रेडियो एक्टिव मटेरियल इस पानी में मौजूद है, और उसके मौजूद होने का कारण यह है कि फिलहाल के समय में अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे इसको अलग किया जा सके पानी से, तो इसलिए ये रेडियो एक्टिव मटेरियल इस पानी में मौजूद है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और उनका ये भी कहना है कि इस पूरे वेस्ट वाटर को एक साथ समुद्र में नहीं छोड़ा जाएगा, धीरे धीरे करके इसको डिकेड्स में, लगभग दसों साल में आराम आराम से इसको समुद्र में छोड़ा जाएगा, ताकि समुद्र में अचानक से बहुत ज्यादा रेडिएशन न फैले और इकोसिस्टम को इतना ज्यादा नुकसान भी न पहुंचे। और ऐसा नहीं है कि जापान ने ये निर्णय खुद से लिया है, इसमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन भी शामिल है, और उसकी टीम यहाँ पर आके, जापान में आकर के इसको जांचा है, परखा है, तभी उन्होंने अलाउ किया है कि जापान इस वेस्ट वाटर को समुद्र में रिलीज कर सकता है। तो IAEA के समर्थन के बाद भी बहुत सारे देश इस पर सहमत नहीं है, खास तौर से जापान के पड़ोसी देश साउथ कोरिया और चीन, ये दोनों देश जापान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और उन्होंने ये धमकी भी दी है कि वो इसके लिए नेसेसरी मेजर्स लेंगे, और चाइना ने इसके लिए नेसेसरी मेजर्स लिए भी हैं। चाइना ने जापान से इंपोर्ट होने वाले सी फूड के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है, और चीन ने ये भी कहा है कि वो आगे भी इस तरीके के एक्शन लेंगे, और हम अपने लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। और इस मूव को साउथ कोरिया की तरफ से क्रिटिसाइज किया गया है, साउथ कोरिया ने भी जापान को क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि इस पूरे एरिया में जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो होगा फिशिंग इंडस्ट्री को और सी फूड इंडस्ट्री को, क्योंकि जब ये रेडियो एक्टिव वाटर, तो आप ये मैप में देखिए, ये पूरा इलाका रेडियो एक्टिव हो जाएगा, इस पूरे इलाके में रेडिएशन फैल जाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि इस पूरे इलाके में जो भी लोग सी फूड को कंज्यूम करते हैं, और खास बात यह है कि जापान में, साउथ कोरिया में और चीन में, ये तीनों देशों में सी फूड को बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये रेडिएशन डायरेक्टली लोगों तक पहुंचेगा,
तो जाहिर सी बात है कि रेडिएशन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और इसीलिए ये सभी देश जापान का विरोध कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए जापान में भी इसका विरोध किया जा रहा है। जो जापान की फिशिंग इंडस्ट्री की जो बॉडी है उसने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया है। और इसी को देखते हुए जापान के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा ने फिशिंग इंडस्ट्री के साथ बात किया है और इस मुद्दे पर उनको समझाने की कोशिश की है, अपने साथ लाने की कोशिश की है। और खास तौर से इसको लेकर चाइना में सबसे ज्यादा पैनिक की स्थिति देखी जा रही है, जहां पे लोगों ने नमक को स्टोर करना शुरू कर दिया है, अचानक से बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से चाइना की जो साल्ट मेकिंग कंपनियां हैं और चाइना की सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि वो देश में पैनिक न फैलाएं और नमक को स्टोर करना बंद करें। क्योंकि आप सबको पता है कि नमक जो बनता है वो समुद्र के पानी से बना जाता है, और चूंकि जापान जो है वेस्ट वाटर रेडिएशन युक्त है उसको समुद्र में छोड़ रहा है, तो समुद्र का पानी भी रेडिएशन युक्त हो जाएगा, तो जो नमक बनेगा वो भी रेडिएशन वाला होगा। तो इसलिए लोग पैनिक में आकर के चाइना में नमक को बाई कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो जापान के इस मूव से जापान के पड़ोसी देशों में बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं और इसीलिए चाइना और साउथ कोरिया इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन जापान का इस मुद्दे पे ये कहना है कि चाइना और साउथ कोरिया ये दोनों देश भी अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट से वेस्ट वाटर को समुद्र में छोड़ते हैं तब तो ये कुछ नहीं बोलते हैं। तो यानी इन देशों की ये हिपोक्रेसी है कि अगर हम छोड़ रहे हैं, चूंकि हमारे यहाँ डिजास्टर हुआ था और हमने उस वेस्ट वाटर को ट्रीट करके उसमें से रेडिएशन को निकाल भी दिया है तब भी हम छोड़ रहे हैं, तो भी ये देश केवल पॉलिटिकल कारणों की वजह से इसका विरोध कर रहे हैं, इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों देश भी ऐसा करते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है, तो ये भी बात है। तो आपका इस पूरे मुद्दे पे क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। तो ये था पूरा फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर और उसकी वजह से जापान के लिए उत्पन्न हुई समस्याएं, और जापान उन समस्याओं से जिस तरीके से निपटने की कोशिश कर रहा है तो उसी के परिणाम स्वरूप जापान के पड़ोसी देश उसका विरोध कर रहे हैं। तो आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।